बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सिचुएशन बड़ी दिलचस्प हो गई है, यानी हमने सोचा भी नहीं था ये चीज़ें ऐसे होगी। गरीबों की हुकूमत आई, हमदर्दों की हुकूमत आई, और उन्होंने आकर अपनी हुकूमत के पहले ही दिन खामोशी के साथ चीनी की कीमत में 9 से 13 रुपये किलो इजाफा कर दिया है। यानी 9 रुपये किलो तो अमूमन हो गया है, और बहुत सारी जगहों पर 13 रुपये ज़्यादा किलो के हिसाब से बिक रही है। अब वो जो लोग 2 रुपये इजाफे के ऊपर बहुत शोर मचाते थे और ये कहते थे कि इससे इतने अरब का मुनाफा इन सियासतदानों को या इन बंदों को हो गया है, वो ज़रा निकले ना और निकल के बताएं कि ये 9 से 13 रुपये का जो इजाफा हुआ इससे क्या हुआ। अब करेंगे ये कि 5 रुपये सस्ती कर देंगे, 7 रुपये सस्ती कर देंगे, तो ये एक मजाक इस कौम के साथ आज से शुरू हो गया। 85 रुपये से कीमत बढ़ी है, कहीं 97 रुपये है, कहीं 98 रुपये है, कहीं 94 रुपये है, कहीं 95 रुपये है। तो इस तरह से चीनी की कीमत एक दिन के अंदर आते ही बढ़ गई है। और जो चीनी की तहकीकात कर रहा था ऑफिसर FIA में, उसके लिए बड़ी दिलचस्प खबर है। वो ऑफिसर जबरी रुखसत पे भेज दिया गया है। इक्तदार के पहले ही दिन जो ऑफिसर चीनी स्कैंडल के ऊपर तहकीकात कर रहा था FIA के अंदर, जो हमजा शहबाज को और शहबाज शरीफ को बुलाकर पूछता था कि जनाब पैसे कहाँ से आए, जो बुलाकर पूछता था कि मकसूद चपड़ासी, जो बुलाकर पूछता था कि ड्राइवर के अकाउंट में, स्टोर कीपर के अकाउंट में, इन लोगों को पैसा कहाँ से मिल रहा है, इनके अकाउंटों में अरबों रुपये कहाँ से आ रहे हैं, जो ये सवाल करता था छुट्टी पे, जबरी रुख्सत पे, जैसे इमरान खान साहब को भेजा गया ना जबरी रुख्सत पे, वैसे ही इन ऑफिसर्स को भी जबरी रुख्सत पे भेज दिया गया है। अब चीनी स्कैंडल में कौम को मुबारक हो, ना कोई करप्शन है, ना कोई दो नंबरी है, ना कोई फ्रॉड है, क्योंकि चीनी वाले सारे इकट्ठे हो गए। एक आधा बंदा था PTI में, जहांगीर तरीन, वो भी अब उस तरफ जाके खड़ा हो गया। तो पूरा का पूरा चीनी स्कैंडल वाले इकतदार में आ गए हैं, और उन्होंने तहकीकात करने वाले ऑफिसर को छुट्टी पर भेज दिया है जबरी रुख्सत पे। अब चीनी महंगी बिके चाहे सस्ती बिके चाहे कैसी भी बिके, सारे चीनी मालिकान और चीनी बनाने वाले सारे के सारे इकतदार का हिस्सा है। शहबाज शरीफ साहब को गार्ड ऑफ ऑनर दिया पाक फौज ने, ये वैसे अमूमन होता है, और जो भी वज़ीर आज़म आता है वो गार्ड ऑफ ऑनर वसूल करता है। लेकिन इसके ऊपर आज सोशल मीडिया पे लोगों ने बड़ी तकलीफ का इजहार किया, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। यानी एक ऐसा आदमी जो जमानत के ऊपर है, एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्ज़ाम हैं, एक ऐसा आदमी जो मुल्क के अंदर लूट मार में वो और उसका ख़ानदान मुलव्वस रहा, वो एक ऐसे इदारे से गार्ड ऑफ ऑनर ले रहा है जिस इदारे में करप्शन का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, जिस इदारे में गद्दारी के ऊपर सजाए मौत है। यानी वो नहीं छोड़ते करप्शन, नहीं छोड़ते दो नंबरी, नहीं छोड़ते फ्रॉड, नहीं छोड़ते। शानदार पाकिस्तान का इदारा है, कमाल इदारा है, लेकिन जब उस इदारे के महाफिजों को मैंने देखा गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए, एक करप्ट वज़ीर आज़म को, एक ऐसे वज़ीर आज़म को जिसके ऊपर केसेस हैं, एक ऐसे वज़ीर आज़म को जिसको पता ही नहीं चलता कि उसकी फैमिली के अकाउंटों में 25 अरब रुपए कौन डालकर चला गया, भिखारी है वैसे, भीख को, हम भिखारी किस्म के लोग हैं, भीख कोई डाल जाए तो भिखारी को क्या पता, और भीख कौन सी को गिन के मांगता है, जितना कोई दे दे उसकी मर्ज़ी। तो 25 अरब रुपए की भीख जिनके अकाउंटों में आकर गिरी, और वो कहते हैं हमें पता ही नहीं था हम सियासत में मसरूफ़ थे, वैसे इनके अकाउंटों से 25 रुपए निकले तो ये बैंक को रोला डाल देते हैं, आलम तो इनका ये है। लेकिन 25 अरब इनके अकाउंटों में आकर गिरे तो इनको पता ही नहीं चलता कि ये कहां से आए। इनके अपने स्टेटमेंट है, इन्होंने FIA को दिए हुए, जिनके सामने दिए हुए हैं उनको जबरी रुख्सत पे भेज रहे हैं। बहरहाल मुश्किल था, यानी मैंने इसके ऊपर एक कमेंट किया, और मैं दोबारा कहूंगा कि बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर, यानी मेरे बहुत सारे रिटायर्ड फौजी भी दोस्त हैं, हाजिर ड्यूटी फौजी भी दोस्त हैं, उनसे बातचीत होती रहती है, हम एक दूसरे से अपने दिल की बातें भी करते हैं, लेकिन ये बड़ी जबरदस्त फोर्स है, ये कंप्रोमाइज़ नहीं करते अपनी ड्यूटी के ऊपर। इनको बोलें पहाड़ पे चढ़ जाओ ये चढ़ जाते हैं, इनको बोलें गोली के सामने खड़े हो जाओ ये खड़े हो जाते हैं, इनको बोलें टैंक से लड़ जाओ ये लड़ जाते हैं। मुझे इकबाल का शेर बड़ा ज़बरदस्त था कि तेग क्या चीज़ है हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये ऐसे ही हैं मन चले सर फिरे, ये मुकाबला करते हैं। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, आर्मी चीफ, बहरहाल वजूहात तो अभी नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल वो नहीं आए, वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बरदारी के अंदर वो नहीं मौजूद थे। तो चले एक ये तो चीज़ हो गई, लेकिन इसके ऊपर भी PMLN का जो मीडिया सेल है या PMLN के जो मीडिया वाले हैं या उनके सहाफ़ी हैं, उन्होंने बड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा जी इससे बड़ा नेगेटिव मैसेज जाएगा कि जो कंपेन चल रही है सोशल मीडिया से, आर्मी उससे डर गई है, कोई कह रहे हैं कि इससे ये पैगाम जाएगा कि इदारों के साथ नहीं खड़े, वज़ीर आज़म के साथ नहीं खड़े आर्मी चीफ, इस किस्म की चीज़ें। ये वही अकाउंट है सारे जो कल तक कह रहे थे कि इमरान खान को क्यों सपोर्ट करते हैं, आज वो सारे कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की हलफबरदारी में क्यों नहीं आए। तो मैं इसको डिस्कस ज़्यादा नहीं करना चाहता, फौज का मामला है, और फौज ने बड़ी सख्त नोटिस लिया है उस मामले का जो उनके खिलाफ चल रहा है। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि फौज पर तनकीद ना की जाए तो बेहतर है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स
कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तमाम कोर कमांडर्स, स्टाफ ऑफिसर्स और फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। तर्जमान पाक फौज ने बताया, जनरल बाबर हैं, उन्होंने बताया कि शुरका को पेशा वराना उमूर नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया गया, लेकिन जो पॉलिटिकल मामलात के अंदर आजकल चल रहा है उस पर जो चीज़ इसमें आई वो ये है कि ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया, कोर कमांडर का अफसरों और जवानों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया, वो तो पूरी कौम करती है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि शुरका का पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम का सख्त नोटिस लिया गया है। जो पाक फौज के खिलाफ ट्रेंड चल रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे, उसका सख्त नोटिस लिया गया है। बाज अनासिर गुमराह कुन मुहिम के जरिए इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा कर रहे हैं, कौमी सलामती हर चीज़ पर मुकदम है। शुरका का कहना है कि पाक फौज हमेशा रियासती इदारों के लिए खड़ी हुई है, पाक फौज हमेशा बिला इम्तियाज रियासती इदारों का तहफ्फुज़ करती रहेगी। फोरम के शुरका का अस्करी क़यादत पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। वैसे ये तो हमेशा होता है, यानी अस्करी क़यादत के ऊपर तो फौज का ये चेन ऑफ कमांड का तो मसला ही कोई नहीं है, ये तो एक गैर ज़रूरी चीज़ है अगर इसको बताया भी जाए तो, कि अस्करी क़यादत पर इत्मीनान का इजहार। ये तो अस्करी फौज के अंदर ये इस तरह का इदारा नहीं है कि नीचे से ऑफिसर खड़े होकर कह देंगे ये नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं चलता। अस्करी क़यादत के ऊपर उनको पूरा एतमाद होता है और चेन ऑफ कमांड जो है फौज के अंदर बड़ी क्लियर है, ये सबको पता है। अब मामला ये है कि इस सारे इशू को लेकर फौज बड़ी हसास है कि फौज के खिलाफ कंपेन क्यों चल रही है। यहाँ एक खबर और है, और ये खबर जो है ये जारी की गई है ट्विटर के ऊपर, इसका हवाला मैं दे देता हूँ। मुबशर जैदी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है कि लेटेस्ट क्या आया कि FIA फाउंड नो एविडेंस ऑर्गेनाइज्ड कंपेन अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस बाय पाकिस्तान तरीके इंसाफ ऑफिशियल एक्टिविस्ट आर बीइंग रिलीज्ड। वो ये कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट FIA ने पकड़े थे उन्होंने उनको छोड़ दिया है, ये बताते हुए कि कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि इदारों के खिलाफ जो कंपेन चल रही है सोशल मीडिया पर वो कोई ऑर्गेनाइज्ड कंपेन है और वो बनाई जा रही है, यानी ये एक ऑर्गेनिक कंपेन है। ऐसा लगता है लोग रिएक्शन दे रहे हैं या गुस्से में हैं या वो बात कर रहे हैं या वो गिला कर रहे हैं, अपने इदारे अपने लोग अगर वो गिला कर रहे हैं। FIA ऑफिशियल से दे वर अंडर प्रेशर टू डिटेन पीपल। अच्छा, FIA ने ये भी कहा कि वो अंडर प्रेशर है, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि लोगों को हिरासत में लें, उनको गिरफ्तार करें। क्रैकडाउन जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है और लगातार इस हवाले से खबरें आ रही हैं। अब मुझे और अरशद शरीफ को और एक और हमारा दोस्त है उसको भी, सदीक जान को भी गिरफ़्तार किया जाएगा, ये इतलात है। और ये इतलात कुछ सहाफ़ियों ने हमें दी हैं जिनमें मुईद पीरजादा साहब हैं, उनके भी सोर्सेज हैं, उन्होंने भी ये इन्फॉर्मेशन दी है क्योंकि वो पहले ब्यूरोक्रेसी में भी रहे हैं, उनके बहुत दोस्त हैं मुईद पीरजादा साहब के, तो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि इन चार लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा। तो अब थ्रेट्स आ रही हैं, बाकायदा जो हमारे करीबी लोग हैं उनको बताया जा रहा है और ये पैगाम पहुँचाया जा रहा है कि इनको कहें यार के चुप कर जाएं ये वो। तो हम क्यों चुप कर जाएं भाई, ना हम किसी इंस्टीट्यूशन की बेइज्जती कर रहे हैं, ना हम किसी कंपेन का हिस्सा हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक इंपोर्टेड हुकूमत बनी है, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज का एक ऑपरेशन हुआ है और वो ऑपरेशन अमेरिका ने स्पॉन्सर किया है, उस ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान की हुकूमत को तब्दील कर दिया गया है और पाकिस्तान की हुकूमत को तब्दील करके एक ऐसे शख्स को लाकर वजीर आजम बना दिया गया है जिसकी उस दिन पेशी थी अदालत के अंदर और वो जमानत के ऊपर रहा है। इससे बड़ा इस कौम के साथ मजाक हो नहीं सकता, हमारा तो ये मौकिफ है। इस मौकिफ के ऊपर अगर गिरफ्तार करना है, आइए हुजूर गिरफ्तार कीजिए, आइए आओ ना गिरफ्तार करो, धमकियां के देते हो, डराते क्या हो, यानी नई हुकूमत आई है और पहले दिन से काम शुरू कर दिया, आप गिरफ्तार करेंगे और हम डर जाएंगे। यही शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब था, अच्छी तरह जानता है मुझे, इसको पता है इसने किस किस तरीकों से मुझे खरीदने की कोशिश की है, इसको पता है कि इसने किस किस तरीके से मुझे डराने की कोशिश की है, इसी के वजारते आला में मेरे ऊपर मुकदमे तक दर्ज हुए हैं, हर चीज जानता हूं, हर किस्म की हिरासत का सामना किया है, जितना भी इन्होंने हरासा किया उसके बावजूद मैं डटकर मुकाबला करता रहा हूं। तब मैं एक आम सा रिपोर्टर था, आज भी एक आम सा इंसान हूं, आम सा सहाफी हूं, आज भी मुकाबला करूंगा, डरूंगा नहीं, डराओ मत, आओ गिरफ्तार करो, देखते हैं कितना जुल्म कर सकते हो। और हम डरने वाले नहीं हैं, मुझे नहीं लगता कि ये जो आवाज़ उठ रही है ये दब जाएगी या ये डर जाएंगे मेरे अकेले की गिरफ्तारी से। गिरफ्तार करना है आओ बिस्मिल्लाह गिरफ्तार करो, ये मजाक ना करो, लोगों तक पैगाम ना पहुंचाओ, हम तक पैगाम ना भिजवाओगे, इसको चुप कराएं, इसको बिठाएं, इसको ये करें, इसको वो करें, कोई बात नहीं मानी जाएगी, जो बात ठीक लगती है वही करेंगे,
आपने पिछले दिनों भी मेरे ऊपर एक हमला किया है और उस हमले का नुकसान पहुंचा के आपको लगता था मैं चुप हो जाऊंगा, चुप तो नहीं हो जाऊंगा, बात करूंगा और बात करता रहूंगा। लोटों का बाहर फिरना मुश्किल हो गया, यानी वह मैरियट होटल के अंदर नूर आलम खान को देखकर एक बाबा जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने लोटे लोटे की आवाज लगा दी और वो बाबा जी को रिएक्शन के अंदर, को बाबा जी अकेले थे, रिएक्शन के अंदर उस बुजुर्ग शहरी को नूर आलम खान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इस्लामाबाद के हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर, उन्होंने, और उसके अलावा नदीम अफजल चंद साहब वीडियो में नजर आ रहे हैं लेकिन वो छुड़वा रहे थे ऐसा लगता है, वो आपको पता है लड़ाई झगड़े वाले आदमी भी नहीं है, और उसके अलावा जो फैसल करीम कुंडी, ये लोग वहां मौजूद थे, इन्होंने टॉर्चर किया उस बुजुर्ग शहरी के ऊपर, यानी उसको मारना शुरू कर दिया इन्होंने। तो कहां कहां मारेंगे लोगों को, ये लोग निकल रहे हैं ना हर एतवार को बाहर, जाएं किसी जुलूस में खड़े हो जाएं, देखें लोग आपको किन अल्फाज से बुलाते हैं और किन अलकाबात से नवाजते हैं, आपको अपनी इज्जत का और अपने फैसले का पता चले। आपने पीटीआई के नाम पे वोट लिए हुए हैं, उसी के नाम पे आप नशिस्त पे बैठे हुए हैं, जब आप धोखा करेंगे या गद्दारी करेंगे तो लोग तो बोलेंगे, और अब इनके लिए बाहर निकलना, अपने हलकों में जाकर निकल कर देखें आपको पता चलेगा। अभी तक तो इस्लामाबाद के होटलों में छुप रहे हैं, वहां पर भी लोग आपका मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सारी सूरत हाल में, कि क्रैकडाउन करेगा क्या। मेरे ख्याल में ये जो कुछ भी हो रहा है ऑर्गेनिक है, इदारों को ये साबित करना होगा, अपने एक्ट से ही साबित करते हैं ना, अभी लोग गुस्से में हैं, मेरे ख्याल में लोग ठंडे हो जाएंगे, इदारे अपने एक्ट से साबित कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी साजिश उसके अंदर इदारे मुलव्वस नहीं है। यानी इमरान खान साहब ने खुद नहीं कहा कि फौज मेरे खिलाफ है, वजीर आजम ने खुद नहीं कहा कि मुझे फौज ने निकाला है, तो ये लोग क्यों कह रहे हैं। ये तो इमरान खान साहब जब जलसे में जाएंगे लोगों को समझा दें, वो कह दें कि यार फौज को टारगेट ना करो, मेरे मुल्क के लिए बहुत जरूरी है ये, वो कह सकते हैं, लेकिन पता चलेगा न्यूट्रैलिटी का उस वक्त जब इमरान खान का और शहबाज शरीफ का पेचा पड़ेगा और अंधाधुंध गिरफ्तारियां होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की। और इमरान खान साहब ने तो अभी ऑर्डर जारी कर दिए हैं, हम लोग जब सहाफी गिरफ्तार होंगे तो हम तो एक दूसरे के पीछे जाएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करेंगे, हमारे घर वाले, हमारे दोस्त अहबाब, ये लोग इकट्ठे होंगे मुझे पता है। लेकिन जो सोशल मीडिया क्रैकडाउन की सूरत में इमरान खान साहब ने जो कारकुन गिरफ्तार हों उनको कानूनी मावनत फराहम करने की हदायत कर दी है, उन्होंने अपने जो लॉयर्स की तंजीम है उसको बुलाया, इंसाफ लॉयर फोरम के जिम्मेदारान को बुला के उन्होंने कहा कि मुल्की सूरत हाल में इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि जो सोशल मीडिया के वर्कर्स को हरासा किया जा रहा है, इन वाकयात पर तशवीश का उन्होंने इजहार करते हुए कहा कि जेर हरासत और हरासगी का निशाना बनने वाले कारकुनान को कानूनी मावनत फराहम की जाए। एक बड़ा क्रैकडाउन हुआ है पाकिस्तान के बड़े शहरों में, बहुत सारे शहरों में लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मैं नहीं देख रहा कि कोई अदालत नोटिस ले रही हो, आज खुद नोटिस ले रही हो। मेरे ख्याल में एतवार वाले दिन लोग दोबारा नोटिस लेंगे, और जब लोग नोटिस लेंगे तो फिर लोगों के नोटिस के ऊपर सबको बहुत तकलीफ होती है। तो हर चीज़ का नोटिस लोग क्यों लें, इदारे मौजूद हैं उनको नोटिस लेना चाहिए कि बंद करें ये गिरफ्तारियाँ। और अगर किसी को बहुत शौक है गिरफ्तारियाँ करने का, सहाफ़ियों को गिरफ्तार करना है, तो भाई मेरी दरख्वास्त ये है कि सबसे पहले मुझे गिरफ्तार करना, मेहरबानी करके। आप जाने, पॉलिटिकल पार्टीज जाने, आप लोग वो अपना काम खुद ही करेंगे, लेकिन अगर सहाफियों को गिरफ्तार करना हो तो मेरी गुजारिश है मुझे पहले गिरफ्तार करो आके, जो जुर्म उन्होंने किया वही मेरा भी है। यानी मैं वो बात कर रहा हूं जो मुझे ठीक लग रही है, और किसी इदारे की तस्दीक भी नहीं कर रहे, किसी के ऊपर उंगली भी नहीं उठा रहे, बल्कि उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इदारे बच जाए किसी तरह, मेरे मुल्क के इदारे हैं। दूसरी जानब जितने खर्चों के दावे इमरान खान साहब के ऊपर डाले जा रहे थे वो उल्ट साबित हो गए। शहबाज शरीफ ने पहले ही दिन आते हुए अपने तीन घरों को कैंप ऑफिस यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बना दिया है। शहबाज शरीफ ने अपने तीन घरों को मुबैना तौर पे कैंप ऑफिस या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बना दिया, ये सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है, वो इसको कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने 3.5 साल में, 4.25 साल में एक भी घर को कैंप ऑफिस नहीं बनाया था। अब यहां पर जो है वो कंपेरिजन शुरू होगा। शहबाज शरीफ साहब ने आते ही जो है वो सहाफियों को अफ्तार डिनर करवाया है। और आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ, मैं पूरे 5 साल बैन था नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में, मुझे नहीं पता क्या होता था। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कभी कभी जाने का मौका मिला, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई प्रेस टॉक, कोई सहाफियों से मुलाकात, तो ऐसे एक चाय के कप के अलावा कभी कुछ नहीं मिला, और कई दफ़ा वो भी नहीं मिला प्राइम मिनिस्टर हाउस में। शहबाज शरीफ का पहला दिन है और 2 दर्जन सहाफियों को बुलवा के अफ्तार डिनर करवाया जा रहा है, तो अय्याशी माहौल शुरू हो गया है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और ये आपके पैसों से हो रहा है। नाज़रीन याद रखिएगा, पैसे आपके मौजें उनकी, पैसे आपके मौजें उनकी। इससे पहले वाला आदमी जो है वो किसी को आपके पैसों के ऊपर ये नहीं करने देता था जो अब शुरू हो गया है। घरों के कैंप ऑफिस बन रहे हैं, 6-6 गुना सिक्योरिटीज जा रही हैं,
सारे खर्चे अब सरकारी होंगे, सहाफी भी आपके खर्चों के ऊपर जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर अय्याशियां करेंगे, ये सूरत हाल अब शुरू हो गई है। जहां तक इदारों के खिलाफ कंपेन का ताल्लुक है तो रिटायर फौजी अफसरान बहुत सारे ऐसे हैं जिनके सोशल मीडिया ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स, उनके अंदर अगर आप जाके देखें तो वो भी ये गिला करते हुए दिखाई देते हैं कि जो फॉरन एक एलिमेंट के तौर पे आया था अमेरिका की जानिब से रेजीम चेंज ऑपरेशन, उसको हमारे इदारे को रोकना चाहिए था। ये वो ये कहते हैं और बर्मला कहते हैं, हर जगह पे कहते हैं कि जो बाहर से एक ऑपरेशन शुरू हुआ था पाकिस्तान के बाहर से कि पाकिस्तान में रेजीम चेंज कर दी जाए और अंदर से लोग उसमें इस्तेमाल हुए, वो ये कहते हैं कि हमारे इदारे को उसको रोकना चाहिए था। लेकिन इदारे की ये पॉलिसी है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, वो किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे पॉलिटिकल मामलात में। अब ये दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। फिफ्थ जनरेशन वॉर का टाइम है, बड़ा केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में जितनी गिरफ्तारियां होंगी, जितना ज़्यादा लोगों को दबाया जाएगा, ये मामला दबने की बजाय और उछलेगा। यहाँ पे सेंसिबली काम करना चाहिए। और इस कंपेन का आगाज़ किसने किया था पता है आपको? ये सलीम साफ़ी का आप ट्वीट देख लें, ये देखें सलीम साफ़ी का ट्वीट, द लास्ट बॉल, ये सलीम साफ़ी का ट्वीट है, ये देखें आप। कहते हैं किसने शुरू किया था, इस कंपेन का आगाज इस ट्वीट से हुआ था जहां पे DGISI ने अपने हाथ में बॉल पकड़ा हुआ है और सलीम साफी कह रहे हैं द लास्ट बॉल। इमरान खान कह रहे थे कि मैं आखिरी गेंद तक मुकाबला करूंगा, तो उन्होंने DGISI का बॉल हाथ में पकड़ के, ये सलीम साफी कर रहा है ना। फौज के खिलाफ कंपेन किसने शुरू करवाई? सलीम साफी ने की है ना। तो इस तरफ भी तवज्जो दें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।